नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट की रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, JSSC JEE भर्ती 2023 नोटिफिकेशन आउट। जूनियर इंजीनियर क्वालिफिकेशन आपको डुप्लीकेट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ITI होना चाहिए। आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और आप कैसे अप्लाई क्या कर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन JDLCCE 2023। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट अगर देखें यहाँ पे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 25/5/2023 से कर सकेंगे और लास्ट डेट यहाँ पे 24/6/2023 है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC EWS कैंडिडेट के यहाँ पे 100 रुपये लग रहे हैं, SC ST के यहाँ पे 50 रुपये लिए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको 1/8/2023 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, उस हिसाब से आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। कुल वैकेंसी की अगर बात करें तो 1551 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी कहा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली JEE का 1551 वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की यहाँ पे कुल मिलाकर 26 पोस्ट है और आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है, जितने भी JEE हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेटेड पोस्ट ट्रेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अदर स्टेट कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कुछ एग्जामों में झारखंड में अदर स्टेट के अभ्यर्थी फॉर्म भर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि अदर स्टेट कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना होगा। तो वही प्रकार उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, अर्बन डेवलपमेंट का, यहाँ पे सारे पोस्ट बाय वैकेंसी मेंशन किए गए हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है जूनियर इंजीनियर सिविल वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में, यहाँ पर 400 वैकेंसी है जो कि अच्छी खासी कहा जा सकता है। वही दोस्तों यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में 30 है और यहाँ पे सिविल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी है, 457 वैकेंसी है, तो एक अच्छी वैकेंसी कहा जा सकता है। वही दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 4 है और एक यहाँ पे ITI का भी वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर में यहाँ पे 55 पोस्ट है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेटेड इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ITI कर रखे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए भी ITI सर्टिफिकेटेड प्लम्बिंग ट्रेड से होना चाहिए और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए भी यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।